दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र साइड का एक और इम्पोर्टेंट गेट खुलने वाला था, खुर्सापार। न्यू सीजन की ओपनिंग होने वाली थी। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से उस एरिया में सस्टेनेबिलिटी आती है, लोगों को रोजगार मिलते हैं और उस वजह से वाइल्ड लाइफ को एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है। न्यू सीजन अच्छा जाए इसलिए सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। उन सभी की एक ही ख्वाहिश थी कि टूरिस्ट को बाघों की अच्छी साइटिंग हो। खुर्सापार गेट में जो टाइगर्स है वो बहुत फेमस है, जैसे कि दुर्गा, बारस, B1, B2, या मेल से ज्यादा फीमेल का दबदबा है। बारस ने रिसेंटली बच्चे दिए थे और वो एक बोल टाइग्रेस है। अगर उसकी साइटिंग हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया होगा। रोड ही रोड बारस के पंजे लगे थे, ऐसा लग रहा था कि वो अभी दिख जाए, पर उस टाइम हमारी गाड़ी खराब हुई और हमारा चांस मिस हो गया। गेट के बाहर निकलते ही हमें पता चला कि रूकड़ गेट में आज 7 टाइगर्स दिखे हैं। इतनी बार फेल होने के बावजूद भी हम रूकड़ गेट की सफारी करने के लिए झट से रेडी हो गए।